दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था, श्वसन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें श्वसन तंत्र तथा श्वसन तंत्र की संरचना व इसकी क्रियाविधि के बारे में देखा था। ठीक है, अपन ने देखा कि श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है, जिसको एक को तो क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है, और एक को क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन का ही दूसरा नाम क्या ले दिया जाता है, कोशिकीय श्वसन अर्थात सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो मेन पार्ट होगा वो क्या कहला रहा है, आंतरिक श्वसन, जिसमें बताया था तो दो तो ग्लाइकोलाइसिस से और 36 क्रेब्स चक्र से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम सीधा कहें तो एक ग्लूकोज के अणु से अपने कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, 36 + 2 यानी 38 एटीपी क्या होती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ जीवों के अंदर कई बार श्वसन अंग पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसन अंग क्या होगा, तो मनुष्य के अंदर हम देखें तो मुख्य श्वसन अंग किसको कहते हैं, लंग्स को कहा जाता है। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ जीवों के अंदर श्वसन अंग कौन कौन से होंगे। अब देखो, श्वसन अंग कौन से पाए जाते हैं, जीवों के अलग अलग वर्ग में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, टॉपिक क्या है अपना, श्वसन अंग। ठीक है, रेस्पिरेटिव ऑर्गन। सबसे पहले अपन देखो शुरुआत करते हैं मछलियों से। किससे शुरुआत करते हैं, मछलियों से। देखो, मछलियों के अंदर श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिनको कहा जाता है गिल्स। ठीक है, इन गिल्स को गलफड़े भी कह दिया जाता है, और इन्हीं को क्या कह देते हैं, क्लोम भी कह देते हैं। अब ये क्लोम क्या करते हैं, जो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जल के अंदर क्या पाई जाती है, घुली हुई ऑक्सीजन पाई जाती है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का अथवा अवशोषित करने का कार्य कौन से करते हैं, गिल्स या क्लोम करते हैं। तो मछलियों के अंदर मुख्य श्वसन अंग क्या हो गए, गिल्स या क्लोम, जिनको हम दूसरा नाम क्या भी बोल देते हैं, गलफड़े भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन दूसरा वर्ग देखें तो दूसरा वर्ग स्तनी देखते हैं। जो भी स्तनी जीव पाए जाते हैं अर्थात मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर, इसके अलावा पक्षियों के अंदर, अधिकांश के अंदर क्या पाया जाता है, श्वसन के लिए मुख्य अंग पाए जाते हैं, लंग्स अर्थात फेफड़े, जिनको फुफ्फुस भी बताया था आपको। ठीक है, फुसफुस नहीं, ठीक है, फेफड़े या लंग्स, ये मनुष्य के अंदर, पक्षियों के अंदर या कोई अन्य स्तनी है तो उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गए, मछली के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, पक्षियों के अंदर और स्तनी के अंदर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो कीट होते हैं, इन कीट के अंदर श्वसन अंग कौन से कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लो कीट के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, स्किन पाई जाती है या क्लोम पाए जाते हैं या ट्रेंकिया पाया जाता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन जीवों के अंदर देखो क्या होता है, जो कीट पाए जाते हैं, इन कीटों के शरीर में नलिकाओं का क्या बन जाता है, गुच्छ बन जाता है। ठीक है, ग्रुप बन जाता है, और नलिकाओं के इस प्रकार के ग्रुप को अपन हिंदी में तो कह देते हैं श्वास प्रणाल। हिंदी में क्या कह दिया जाता है, श्वास प्रणाल, और इस श्वास प्रणाल को ही क्या कह दिया जाता है, ट्रेंकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेंकिया। जैसे आपसे एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉकरोच के अंदर, ठीक है, कॉकरोच क्या है, एक प्रकार का कीट होता है जिसको तिलचट्टा भी कह देते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच के अंदर जो श्वसन अंग होता है वो क्या कहलाएगा, ट्रेंकिया कहलाएगा। ठीक है, कॉकरोच के अंदर एक फैक्ट और आता है, इसका जो हर्ट होता है, हाईएस्ट चैम्बर्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, इसके हर्ट के अंदर तेहरा चैम्बर पाए जाते हैं, यानी तेहरा कक्षों का हृदय किसके अंदर पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर, और इसके अंदर श्वसन का अंग क्या कहलाएगा, श्वास प्रणाल, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रेंकिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मछलियों के अंदर श्वसन अंग गिल्स या क्लोम बिल्कुल सिंपल है, पक्षियों के अंदर या स्तनियों के अंदर, जैसे मनुष्य, इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, मुख्य श्वसन अंग लंग्स यानी फेफड़े पाए जा रहे हैं, और कीटों के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रेंकिया। कीटों के अंदर क्या होगा, ट्रेंकिया।
कुछ जीव या कुछ कीट अति अल्प मात्रा में स्किन का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मुख्य श्वसन अंग पूछा जाए तो क्या जाएगा? ट्रेंकिया जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए, जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म पाया जाता है, इस केंचुए के अंदर, अर्थवर्म के अंदर जो श्वसन अंग होगा वो केवल किसके द्वारा पाया जाता है? स्किन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा। तो केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किस चीज के द्वारा होती है? स्किन के द्वारा होती है। केंचुए से संबंधित एक फैक्ट लगाता है, हर्ट से संबंधित ही, कि केंचुआ ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा हृदय पाए जाते हैं। हर्ट की संख्या कितनी होती है? 8 हर्ट पाए जाते हैं, हृदय पाए जाते हैं किसके अंदर? केंचुए के अंदर। ये द्विलिंगी होता है, अर्थात कुछ समय नर की तरह व्यवहार करता है और कुछ समय फीमेल अर्थात मादा की तरह। ठीक है, तो इसके अंदर श्वसन अंग क्या पाया जा रहा है? स्किन पाई जा रही है। अब कई बार क्वेश्चन को टफ करना हो तो इनमें से अलग टाइप से प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, मान लो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो टेडपोल होता है, ठीक है, जैसे टेडपोल, देखो सबसे पहले तो टेडपोल किसको कहते हैं? टेडपोल का अर्थ होता है जो मेंढक होता है। ठीक है, मेंढक के अंदर क्या होता है? जब इसका अंडे से जीव की उत्पत्ति होती है, किसी भी जीव का अंडा होता है, उससे जब जीव निकलता है तो उस अवस्था को कहा जाता है लार्वा। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? लार्वा। अलग अलग जीव के लार्वा को अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे मेंढक के लार्वा को अपन किस नाम से जान रहे हैं? टेडपोल के नाम से। ठीक है, तो इस टेडपोल को जब वयस्क में बदला जाएगा, यानी ये मेंढक का जो लार्वा है, जीव है, ये जब वयस्क मेंढक में परिवर्तित होगा तो इस चीज को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया था कि जब टेडपोल होता है, इस टेडपोल के अंदर श्वसन अंग क्या होगा? ठीक है, जो टेडपोल पाया जा रहा है इसके अंदर श्वसन अंग क्या पाया जाएगा? अब अगर इस टेडपोल के अंदर श्वसन अंग देखें, देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। पहला ऑप्शन है त्वचा, पहला ऑप्शन है त्वचा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? लंग्स। तीसरा ऑप्शन है दोनों, तीसरा ऑप्शन क्या है? दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि मेंढक के अंदर श्वसन अंग कौन सा है, तो ये याद रखना मेंढक के अंदर क्या होगा श्वसन अंग? लंग्स भी होंगे और साथ में किसके द्वारा भी करता है? स्किन के द्वारा भी करता है। दोनों ऑप्शन हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? टेडपोल दे रखा है, मेंढक का लार्वा दे रखा है। तो लार्वा के अंदर केवल किसके द्वारा श्वसन होता है? त्वचा के द्वारा। इसमें लंग्स डेवलप्ड नहीं हो पाते। तो टेडपोल का श्वसन अंग पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? लार्वा का श्वसन अंग मेंढक के लार्वा का कौन सा होगा? स्किन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, टेडपोल में पूंछ पाई जाती है, जबकि वयस्क मेंढक के अंदर पूंछ क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ये कुछ जीवों के क्या है? श्वसन अंग है जो ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। जैसे टेडपोल का पूछा गया है, कॉकरोच से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉकरोच के अंदर श्वसन अंग क्या कहलाएगा? ट्रेंकिया कहलाएगा। वैसे अपन ने देखा था कि श्वसन के दौरान हम 1 मिनट में कितने बार श्वसन करते हैं? 12 से 16 बार। व्यायाम की स्थिति में क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि हम सोते समय श्वसन दर क्या हो जाती है? घट जाती है। इस क्रिया को मापा किस उपकरण के द्वारा जाता है? जो श्वसन की दर होती है इसको हम किसके द्वारा मापते हैं? जो श्वसन की दर होगी, रेस्पिरेशन रेट होगी, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति क्या करेगा? 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड के अंदर आपको बताई थी 40 प्रति क्या होती है? मिनट पाई जाती है। सोते समय ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लगभग 10 से 12 हो जाती है। और व्यायाम की स्थिति में ये क्या हो जाती है? लगभग 20 से 25 हो जाती है। तो अगर हम देखें इसको मापेगा कौन सा, तो मापने वाला उपकरण होगा स्पायरोमीटर। ठीक है, तो ये अपना श्वसन टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन सर्कुलेशन टॉपिक शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो।